हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। एक और रोमांचक एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर है। न्यू फ्रेंड्स, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम है प्रोमेथियस। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। IMDb में इसकी रेटिंग 7 है। इसे डायरेक्ट किया है रिडली स्कॉट। कास्टिंग स्टार है नूमी रेपेस एज डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ, लॉगन मार्शल ग्रीन एज डॉक्टर चार्ली हॉलोवे, ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। माइकल फैसबेंडर एज डेविड, एक एंड्रॉयड रोबोट। गाय पियर्स एज पीटर वेलैंड, वेलैंड प्राइवेट कंपनी का मालिक। इड्रिस एल्बा एज येनिक, प्रोमेथियस स्पेसशिप का कैप्टन। और चार्लिस थियोरन एज मेरिडिथ विकर्स, प्रोमेथियस स्पेसशिप की डायरेक्टर। इंसानों की जिज्ञासा ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मानवीय इतिहास में गड़े सभ्यताओं के चिन्ह से लेकर विज्ञान के असीम आकांक्षाओं तक हम अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढते हैं। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने और क्यों की। मूवी की शुरुआत में एक ह्यूमनॉइड एलियन, मतलब इंसानों की तरह दिखने वाला एलियन, पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर खड़ा होता है और एक स्पेसशिप को जाते हुए देखता है। फिर वो एलियन एक लिक्विड पीता है, जिसके बाद उसके शरीर में रिएक्शन होने की वजह से उसका शरीर जगह जगह से टूटना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका शरीर पानी में घुलने लगता है, जिससे उसका DNA टूटकर एक नए DNA का निर्माण करता है। अब इस सीन का क्या मतलब है, हमें मूवी के दौरान पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं साल 2089 में, जहां आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे को स्कॉटलैंड की पुराने सभ्यताओं की गुफा से एक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो कि उनके मुताबिक अंतरिक्ष का मानचित्र है। और ऐसे ही मानचित्र दुनिया के अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं में दर्शाया गया है। एलिजाबेथ कहती है, शायद इस मानचित्र के यहाँ होने के पीछे कोई कारण है। जिन्होंने इसे बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढ सकें। ये मानचित्र किसी दूसरे गैलेक्सी का है, जहाँ से हो सकता है कि वो एलियंस धरती पे आए हो और शायद उन्होंने ही इंसान को बनाया हो, वही इंसानों का इंजीनियर हो। समय और आगे बढ़ जाता है। वेलैंड एक प्राइवेट कंपनी के मालिक और CEO पीटर वेलैंड ने एक स्पेसशिप बनाया है, जिसका नाम होता है प्रोमेथियस। दोस्तों, प्रोमेथियस का जिक्र एंशिएंट ग्रीक के पौराणिक कथाओं में है। कहा जाता है गॉड ऑफ फायर प्रोमेथियस ने जियोस गॉड के विरुद्ध जाकर इंसानों का निर्माण किया और वो इंसानों को भी गॉड की बराबरी का दर्जा देना चाहता था, जिसकी वजह से जियोस ने प्रोमेथियस को हेवन से निष्कासित कर दिया। और इसी मान्यता के ऊपर इस स्पेसशिप का नाम भी प्रोमेथियस रखा गया, जिसके बनाने का उद्देश्य ही होता है इंसानों के रचयिता को ढूंढना। प्रोमेथियस का मिशन होता है मून LV223 प्लैनेट तक पहुँचना। ये प्लैनेट उसी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम का है जो डॉक्टर एलिजाबेथ और हॉलोवे के रिसर्च पर बेस्ड है। सारे क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीपिंग चेंबर में सोकर ये लंबा सफ़र तय करते हैं, सिवाय डेविड के। डेविड एक एंड्रॉयड रोबोट होता है जो पीटर वेलैंड का ही एक क्रिएशन है, जिसका काम है स्पेसशिप के सिस्टम को मॉनिटर करना। प्रोमेथियस 2 साल 4 महीने 18 दिन के लंबे सफ़र के बाद अपनी मंजिल पर पहुँचती है। सामने दिखाई देता है मून LV223 और साल होता है December 2093। सभी क्रू मेंबर्स के जगने के बाद एक इंट्रोडक्शन सेशन होता है, जहां मिशन की डायरेक्टर मेडिरिट विकर्स मिशन के बारे में बताती है। इसके बाद पीटर वेलैंड का एक होलोग्राम वीडियो दिखाया जाता है, जो कि साल 2091 की होती है, यानी पीटर को मरे 2 साल हो चुके हैं। उसका सपना था कि इंसान के वजूद के पीछे के रहस्य का पता लगाना। अब डॉक्टर एलिजाबेथ और हॉलोवे बताते हैं कि विश्व भर के अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं जैसे मायान, इजिप्शियन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन में बार बार यही मैप उभर कर सामने आए हैं, जो कि एक अलग गैलेक्सी के सोलर सिस्टम की तरफ इशारा करता है। लेकिन प्राचीन लोगों को इन तथ्यों की जानकारी खुद से नहीं हो सकती थी। ये तभी संभव है जब एलियंस खुद आकर इन चित्रों को अंकित कर गए हो। क्या पता ये हमारे लिए एक इन्विटेशन हो उन तक पहुँचने का। और आज प्रोमेथियस मून LV223 की धरती पर लैंड करने वाला है। इस गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में कुल 5 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से मून LV223 पृथ्वी के प्रतिरूप के सबसे करीब है, जहां जीवन की संभावना है। लेकिन पूरा ग्रह बंजर होता है, फिर उन्हें एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है। क्रू मेंबर्स उस स्ट्रक्चर का निरीक्षण करने के लिए स्पेस सूट्स और हेलमेट पहनकर नीचे उतरते हैं,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हवा सांस लेने लायक नहीं होती। वहाँ अंदर उन्हें कुछ एलियन की डेड बॉडीज़ मिलती है जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना होता है। वहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन यहाँ बाहर के वायुमंडल के विपरीत अंदर की हवा सांस लेने लायक थी। अब डेविड वहाँ लिखे उन प्राचीन भाषा को डिकोड करके वहाँ पे बने दरवाजे को खोलता है। दो क्रू मेंबर अंदर जाने से मना कर देते हैं और स्पेसशिप वापस जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दरवाजे के अंदर उन्हें बहुत सारे सिलिंड्रिकल स्टोन्स और ऊपर सीलिंग पर कुछ अजीब सी आकृतियाँ दिखती है। डॉक्टर एलिजाबेथ एक एलियन के सर को सैंपल के तौर पे लैब टेस्ट के लिए कलेक्ट करती है, लेकिन तभी छत के दीवारों पे कुछ अजीब से बदलाव होने लगते हैं, जैसे कुछ हिल रहा हो और सिलिंड्रिकल स्टोन में से लिक्विड निकलने लगता है, जिससे सभी वापस स्पेसशिप जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच डेविड सबसे छुपकर एक सिलिंड्रिकल स्टोन उठा लेता है। तभी स्पेसशिप से कैप्टन यनिक उन्हें अलर्ट करता है कि वेदर में अचानक कुछ चेंजेस की वजह से सिलिकॉन की आंधी आने वाली है, जल्द से जल्द स्पेसशिप पहुंचे। स्पेसशिप पहुंचकर पता चलता है कि वही दो क्रू मेंबर्स मेलबर्न और फाइफील्ड अभी तक वापस नहीं आए होते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। कैप्टन यनिक उनसे कहता है आंधी थम जाने के बाद उन्हें लेने आएंगे। यहाँ लैब में उस एलियन के मिले सर के टेस्ट से ये पता चलता है कि उसका डीएनए और ह्यूमन डीएनए 100% मैच करता है। यानी दोस्तों, पहले सीन में जिस ह्यूमनाइड एलियन को दिखाया गया वही इंसान का रचयिता था और वो जगह 3500 साल पहले की पृथ्वी थी। ये प्रूफ हो गया कि वही इंसानों के पूर्वज हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था यहाँ कि वो लुप्त हो गए? और थोड़ी देर के बाद सर से एक ब्लैक लिक्विड जैसा निकलने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ डेविड को थोड़ा सस्पिशियस दिखाया गया है। उसका अपना एक अलग एजेंडा होता है जिस पर वो काम करता दिखाई देता है। वो वहाँ मिले सिलेंड्रिकल स्टोन को खोलता है, जिसमें कांच की बॉटल्स में कुछ ब्लैक लिक्विड प्रिजर्व किया हुआ होता है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। फिर वो जानबूझकर उसे शराब में मिलाकर डॉक्टर हॉलोवे को पिला देता है और उसी रात डॉक्टर एलिजाबेथ और हॉलोवे इंटीमेट होते हैं। अब दिखाता है कि फंसे हुए क्रू मेंबर्स मेलबर्न को एक स्नेक जैसा दिखाई देने वाला जीव मार देता है और फाइफील्ड भी उस जीव के मुंह से निकले एसिड की वजह से मारा जाता है, लेकिन किसी को इस बारे में खबर नहीं होती। अगली सुबह डॉक्टर हॉलवे थोड़ा अजीब दिखने लगता है। उसे शीशे में आंखों के अंदर कुछ हलचल सी दिखाई देती है। अब सारे मेंबर्स फंसे दो लोगों को वापस लाने और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ डेविड उनके साथ नहीं जाता और वो अलग से खोजबीन करने चला जाता है। डेविड को वहाँ एक कंट्रोल रूम मिलता है, जहाँ उसे हाइपर स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ एक एलियन भी मिलता है। फिर उसे वहाँ 3D होलोग्राफिक स्टार मैप दिखाई देता है जो पृथ्वी को हाईलाइट कर रहा होता है। इसी बीच उन लोगों को मेलबर्न और फाइफील्ड की डेड बॉडीज मिलती है और अचानक डॉक्टर हॉलवे की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर सभी जल्दी से स्पेसशिप की तरफ रवाना होते हैं। उसका पूरा चेहरा अजीब सा होने लगता है और दर्द से तड़प रहा होता है, पर मिस विकर्स डॉक्टर हॉलवे को स्पेसशिप के अंदर अलाउ करने से मना कर देती है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो गया है और बाकियों को भी इससे खतरा हो सकता है। हॉलवे दर्द से इतना मजबूर हो जाता है कि वो मिस विकर्स से उसे मार देने को कहता है। अब यहाँ डेविड डॉक्टर एलिजाबेथ को कहता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। एलिजाबेथ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, ये होना मुमकिन नहीं क्योंकि वो बांझ होती है। फिर डेविड कहता है जो भी उसके अंदर है वो कोई नॉर्मल एम्ब्रॉय नहीं है। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह डर जाती है। उसे ये चीज़ किसी भी तरह से अपने अंदर से निकालना होता है। वो किसी तरह सेल्फ ऑटोमेटिक सर्जरी चैम्बर में जाती है और उसके पेट से स्क्विड जैसा दिखने वाला एम्ब्रॉय बाहर निकलता है। कैप्टन यनिक को स्पेसशिप के एंट्रेंस गेट पे फाइफील्ड खड़ा दिखता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है और साथ ही खूंखार भी। बेकाबू फाइफील्ड लोगों को मारने लगता है और बड़ी मुश्किल से उसे ख़त्म कर पाते हैं। यहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ को स्पेसशिप में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ वो पीटर वेलेंट को देखती है। इसका मतलब वो जिंदा है और शुरू से इसी स्पेसशिप में था। डेविड पीटर को उस स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे एलियन के बारे में बताता है। अगर उन्होंने हमें बनाया है तो वो हमें बचा भी सकता है मरने से। दरअसल पीटर वेलेंट का प्रोमेथियस को यहाँ लाने का अपना मतलब होता है, उसे अमर बनना है। एलिजाबेथ पीटर को बताती है कि वो गलत थे, वो सारे अनुमान गलत निकले, ये वो जगह नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। थोड़ी देर में पीटर और उसका क्रू निकलने वाले होते हैं और डॉक्टर एलिजाबेथ अपने केबिन में होती है, जहाँ कैप्टन यनिक आकर बताता है
उसे लगता है कि ये इन एलियंस का कोई मिलिट्री बेस है जहाँ किसी तरह का कोई बायो वेपन वायरस बनाया जा रहा था जिसे वो द डार्क लिक्विड कहता है। पर रिसर्च आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से शायद ये लोग मारे गए, पर जो भी हो ये बायो वेपन इस स्पेसशिप के जरिए धरती तक नहीं पहुँचना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। एलिजाबेथ थोड़ा और इंतज़ार करने को कहती है। मिशन अपने आखिरी पड़ाव पे है, एक एलियन उन्हें जिंदा मिला है, लेकिन जो उसे सही लगे वही करे। यहाँ सब निकलने के लिए रेडी होते हैं और मिस विकर्स पीटर वेलैंड को फादर कहकर बुलाती है और वहाँ जाने से रोकती है, पर पीटर वेलैंड किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि उसे अपने क्रिएशन पे भरोसा होता है। दोस्तों, डेविड जिस अलग एजेंडे पे काम कर रहा होता है वो पीटर के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए था। डेविड उन्हें उसी कंट्रोल रूम लेके जाता है और इस वक्त वो जहाँ खड़े होते हैं वो पूरा एक स्पेसशिप है जिसका डेस्टिनेशन पृथ्वी है, और वो पूरा स्पेसशिप सिलेंड्रिकल ट्यूब से भरा रहता है जिसके अंदर वही डार्क लिक्विड होता है। एलिजाबेथ पूछती है, लेकिन एलियंस इन कंटेनर को पृथ्वी क्यों ले जाना चाहते हैं? जिस पे डेविड कहता है, कुछ क्रिएट करने के लिए पहले डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। दोस्तों, अभी तक डेविड के बारे में यही दिखाया है कि वो जो कुछ भी कर रहा था उसका सोल पर्पस पीटर वेलैंड को सर्व करना है, लेकिन यहाँ पीटर वेलैंड गलत साबित हुआ। एक रोबोट का पर्पस होता है अपने क्रिएटर को सर्व करना, पर डेविड अपने क्रिएटर से भी एक कदम आगे निकल गया। उसे एलियंस के पृथ्वी पे जाने का मोटिव पता होने के बावजूद वो किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा लगता है मानो वो अपने ही क्रिएटर के खिलाफ है। अब डेविड हाइपर स्लीपिंग चैम्बर खोलकर उस सोए हुए एलियन को जगा देता है और डेविड एलियन से उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एलियन बेकाबू हो जाता है और पीटर समेत बाकियों को मार देता है। वो डेविड के सर को उसके बॉडी से अलग कर देता है, लेकिन फिर भी डेविड का सिस्टम काम कर रहा होता है और एलिजाबेथ किसी तरह वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। कैप्टन यनिक और मिस विकर्स ये सब स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। मिस विकर्स कैप्टन को स्पेसशिप वापस धरती पर ले जाने का ऑर्डर देती है, लेकिन एलिजाबेथ कैप्टन यनिक से कहती है कि वो एलियन अपना स्पेसशिप पृथ्वी की ओर लेकर जाने वाला है उस बायो वेपन को वहाँ रिलीज करने, जिससे पृथ्वी पूरी तबाह हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, उसे रोकना होगा। मिस विकर्स एस्केप पोर्ट से स्पेसशिप से बाहर निकल जाती है, साथ ही यनिक लाइफ सपोर्टिंग केबिन को भी इजेक्ट कर देता है। फिर कैप्टन सहित तीन लोग पृथ्वी को बचाने के लिए प्रोमेथियस को उस एलियन स्पेसशिप से क्रैश कर देते हैं, जिससे वो स्पेसशिप उड़ान नहीं भर पाता और सीधा जमीन पे आ गिरता है। क्रैश से हुए हादसे में मिस विकर्स मारी जाती है। एलिजाबेथ किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है और वो उसी लाइफ सपोर्टिंग केबिन में जाती है और वहाँ वो देखती है कि उसके पेट से निकला एम्ब्रॉय स्क्विड अब एक जाइंट बन चुका था। डेविड का सर एलिजाबेथ से दोबारा कॉन्टैक्ट कर उसे सतर्क करता है कि वो एलियन उसे मारने गया है, और तभी वो एलियन एलिजाबेथ पर अटैक करता है, पर एलिजाबेथ किसी तरह उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ वो जीव कैद था, और वो एलियन अपने ही एक्सपेरिमेंट के हाथों मारा जाता है। डेविड एलिजाबेथ से कहता है कि ऐसे और भी स्पेसशिप हैं और वो उन्हें ऑपरेट करने में मदद कर सकता है। एलिजाबेथ डेविड तक पहुंचती है ताकि वो उन एलियंस के प्लैनेट जाकर पता लगा सके कि इंसानों को बनाने के बाद वो क्यों उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। साल होता है 2094। लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्रोमेथियस डॉक्टर एलिजाबेथ फिर से अपने जवाब की तलाश में एक और सफर पे निकल पड़ती है। दोस्तों, इस कहानी को हम इस तरह से देख सकते हैं कि इंसान अपने क्रिएटर को ढूंढने इतनी दूर आता है मन में ढेर सारे सवालों और उम्मीदों के साथ, जबकि डेविड एक रोबोट खुद अपने क्रिएटर के बीच ही होता है। रोबोट के लिए भी इंसान भगवान जैसा हुआ, लेकिन सच यही है कि रोबोट जितना भी इंटेलिजेंट हो, इंसान कभी नहीं चाहता कि उनका क्रिएशन उनसे बराबरी करे। इंसान उसे कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपनी क्रिएशन को पहले से बेहतर बनाना चाहता है। ठीक उसी तरह जब इंसान भी इसी सच्चाई से रूबरू होता है कि उनका क्रिएटर या द इंजीनियर या एलियन जो भी कह ले, इंसानों के लिए भी यही भावना रखता है कि वो भी इंसानी प्रजाति को ख़त्म कर एक श्रेष्ठ प्रजाति की रचना कर सकता है। इंसान को ये तर्क मंजूर नहीं, इसीलिए उसकी खोज आज भी जारी है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और इसकी पार्ट टू की एक्सप्लेनेशन को भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।